विश्वविख्यात पंडित प्रदीप मिश्रा अशोकनगर में श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन करने जा रहे हैं। यह कथा 19 सितंबर से 25 सितंबर तक आयोजित की जाएगी। कथा से पहले शहर में ऐतिहासिक कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। सुप्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा 7 दिवसीय श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन करने जा रहे हैं। बता दें, व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस बार अच्छे खासे इंतजाम किए गए हैं। कथा कार्यक्रम से पूर्व नगर में एक भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी। कलश यात्रा में पंडित प्रदीप मिश्रा भी शामिल हुए। कार्यक्रम नवीन मंडी प्रांगण किया जा रहा है। कलश यात्रा श्री राजराजेश्वर महादेव मंदिर पुराना बाजार से प्रारंभ होकर प्रोसेशन रोड से श्री तार वाले बालाजी पर समाप्त हुई। कलश यात्रा में महाराष्ट्र से 40 सदस्य ढोल ताशा बैंड दल भी सम्मिलित हुए, जो कि आकर्षण का केंद्र रहे। कलश यात्रा का अनेक स्थानों पर स्वागत किया गया। इस दौरान लोगों में भारी उत्साह देखने को मिला। जगह जगह पर पंडित प्रदीप मिश्रा पर फूल बरसाए गए। पंडित प्रदीप मिश्रा ने भी लोगों का हाथ जोड़कर अभिवादन किया और आशीर्वाद दिया। बता दें कि 2 महीने पहले इंदौर में प्रदीप मिश्रा ने कथा का आयोजन किया था, जहां बड़ी तादाद में लोग पहुंचे थे। इसके बाद छत्तीसगढ़ में भी कुछ ऐसा आलम रहा, जहां भक्त बड़ी संख्या में पंडित प्रदीप मिश्रा को सुनने पहुंचे थे। अनुमान लगाया जा रहा है कि अशोकनगर में भी श्री शिव महापुराण कथा में प्रदेश और देश भर के अलग अलग कोनों से लोग आएंगे। अशोकनगर से मृदुभाषी के लिए विवेक शर्मा की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मृदुभाषी प्रदेश से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।